गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज का व्लॉग है क्लिनिकल ड्यूटी पे। सो गाइज, क्लास गई थी मैं मस्त मगन होके, जो कि हमारी क्लास थी 9 से 1। लेकिन आज मिल चुका था हमें सरप्राइज, जो कि सरप्राइज ये था कि आज क्लास 9 से 12 होगी, जो कि सब बच्चों के लिए बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि हमको करनी पड़ रही थी 1 से 5 PM तक क्लिनिकल ड्यूटी, जो कि बहुत ज़्यादा टफ था। तभी मैं हॉस्टल आई, मुझे याद आया मैंने कपड़े छत पे डाले हैं और मौसम देख सकते हो आप कितना, मतलब यहाँ का देहरादून के मौसम की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। सो जल्दी जल्दी मैं छत पे गई, मैं छत पे थोड़ा मौसम देखा मैंने, बहुत ही अच्छा था, लेकिन कपड़े भीग सकते थे मेरे, तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े लेके आई, देन उसके बाद मैं नीचे गई। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार 1 से 5 बजे तक ड्यूटी करने के लिए, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमको पड़ी हुई आदत स्ट्रेस लेने की। सो तभी मैंने देखा इतनी तेज़ धूप, ओ गॉड इतनी गर्मी हो रही है। आगे बैठती हैं यार। मौसम के मस्त नज़ारे देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था, लेकिन गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी, क्योंकि गर्मी इसलिए हो रही थी कि धूप आ गई थी बहुत तेज। और आप देख सकते हो देहरादून को, यहाँ का ट्रैफिक, उफ ये ट्रैफिक से बचाए कोई हमें। न्यू रास्ते से आज हम जा रहे हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है। अब VIP लोग जा, हाँ पे। सो गाइस, दोस्तों से बहुत बात हो चुकी है, अब मेरे को जाना है अपने वार्ड में, वो जा रहे हैं अपने वार्ड और मुझे जाना है अपने वार्ड में। सो मैं अपने वार्ड की तरफ चल पड़ी। सो आपने ये देखा ही होगा, यह है दून हॉस्पिटल, जो कि आपने देखा ही होगा देहरादून में बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है ये। गाइस, इस भूल भुलैया से मुझे जाना था अपने वार्ड में, जो कि मैं चल रही हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, GNM स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मेरे जस्ट आगे चल रहे थे, शायद वो अपने वार्ड में जा रहे होंगे, बट मुझे भी तो जाना था, तो मैं चले जा रही थी। सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने वार्ड में। आप देख सकते हो यहाँ पे इतने कम पेशेंट थे ना, आप सोच नहीं सकते, बट हमें तो ड्यूटी करनी है ना। फ़ोन को बंद करने की आ चुकी थी बारी, क्योंकि गाइस फ़ोन हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होते हैं, फिर भी बच्चे यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं कर सकते हम यूज़, क्योंकि हमें यहाँ से 3 आवर रहना था, और 3 आवर तक अगर मैं फ़ोन चलाऊँगी तो पेशेंट की मदद कौन करेगा, पेशेंट की केयर कौन करेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर पेशेंट सब सो रखे हैं। सो टाइम हो चुका था अब वापस हॉस्टल आने का, और मैं चल रही थी, तभी मैंने देखा OPD कितना प्यारा सा लग रहा है, ये OPD दून हॉस्पिटल का, जो कि बहुत ही प्यारा है, बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे किसी ने ना पेंटिंग बना रखी थी बहुत प्यारी, सो वो आपको, आपने देखी होगी। फिर यहाँ पे हमारा बस स्टैंड है, जहाँ पे हम रोज़ वेट करते हैं बस का, क्योंकि हमारी बस यहीं पर आती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं लगता ना, इसलिए यहाँ पर आती है बस। गाइस, बारिश का मौसम भी हो चुका था, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही थी दिन से, मैंने सोचा बारिश होगी होगी होगी, बट नहीं हुई। एंड तब भी मैंने देखा कि बस आ चुकी है, और देख सकते हो आप बस वाले अंकल हैं, बस रोक दिया, ऐसा लग रहा है वो मेरे मुंह के सामने बस रोक रहे हैं, और जल्दी से मैं बस बैठने के लिए चल पड़ी। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे बच्चे की, हमारी क्लास की ब्रह्म राक्षस है इसका निक नेम, और ये ज्योत्सना हमारी क्लास के बच्चे सब चढ़ रहे थे, ANM वाले बच्चे भी यहाँ पे थे, ये मनीषा हमारी क्लास की सो टैलेंटेड गर्ल डांसर भी है ये, एंड उपासना, सारे बच्चे धीरे धीरे चढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कितना प्यारा सा नज़ारा, आप देख सकते हो घर जाते हुए मैं रोज़ ये नज़ारे देखती हूँ, पर मैं बोर नहीं होती हूँ इन नज़ारे को देख के, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हॉस्टल वालों के लिए ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है उनको नज़ारा देख। तो दून हॉस्पिटल को करते हुए बाय बाय दून हॉस्पिटल, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्टल, और आप देख सकते हो कितना डरावना सा लग रहा है हमारा हॉस्टल, जैसे भूतिया नहीं होता वैसी है। सो हॉस्टल के पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैम हॉस्टल की भूतिया स्टोरी हमें कभी बताएं। सो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसकी ज़रूर बताऊँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।